हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होटल स्टाइल दाल मखनी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, इसे आप नान, पराठा या चावल के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक कप काली उड़द की दाल ली है और दाल को हमने पूरी रात भिगो कर लिया है। आप देख सकते हैं दाल अच्छे से भीग गई है। यहाँ पर हमने एक चौथाई कप राजमा लिया है, राजमा को भी हमने पूरी रात भिगो कर लिया है। अब इसे हम उबालेंगे। दाल को उबालने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। कुकर में हम दाल को डाल देंगे, राजमा डालेंगे, कप से दो कप पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, कुकर का ढक्कन लगाएंगे और पांच सीटी होने तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। पूरे पांच सीटी होने तक हमने पका लिया है। गैस को हमने बंद कर दिया था, कुकर पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम खोलेंगे। देखिए दाल अच्छे से पक गई है, इसी तरह से पकी हुई दाल होनी चाहिए। अब हम साइड में रखेंगे और तड़का तैयार करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच बटर डालेंगे। गैस की आंच को धीमी रखेंगे। 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट तक पका लिया है। इसी तरह से पकाना है। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है। मिक्स करेंगे। तीन बड़ा टमाटर है जिसे हमने पीस लिया है, टमाटर का पेस्ट डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार। मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। इसी तरह से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए लगातार चलाते हुए हमने इसे 5 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें हम पकी हुई दाल डालेंगे और लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक पकाएंगे। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। देखिए हम होटल स्टाइल दाल मखनी बना रहे हैं। होटल स्टाइल दाल मखनी में प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। लगातार चलाते हुए हमने 5 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। हमने 1 कप गर्म पानी डाला है और इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। बीच बीच में चलाते हुए हमने पूरे 15 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं दाल कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी बनी है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए पैन को हमने गर्म कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और लहसुन को ब्राउन होने तक पकाएंगे। लहसुन को चलाते हुए हमने ब्राउन कर लिया है। तड़का हमारा तैयार है। अब इसे हम दाल में डाल देंगे। इसी तरह से लहसुन को ब्राउन करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हमने चालू रखा है। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं दाल कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी बनी है। अब इसमें हम ढेर सारा बटर डालेंगे।
क्योंकि हम दाल मखनी बना रहे हैं तो दाल मखनी में मक्खन का होना बहुत ज़रूरी है। 2 बड़ा चम्मच डालेंगे, 1/4 चम्मच कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला मिक्स करेंगे, 1/4 चम्मच हमने मिक्स कर लिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और आखिरी में फ्रेश क्रीम मिलाएंगे। 1/2 कप फ्रेश क्रीम है, ये दाल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए। फ्रेश क्रीम को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, होटल स्टाइल दाल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रेसिपी बनी है। अब हम गर्मा गर्म परोसेंगे। गर्मा गर्म होटल स्टाइल दाल मखनी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।